हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स मी अरमान एंड वेलकम टू माय चैनल अरमान्स ब्लॉग। सो गाइस, आज मैंने एक्चुअली हम क्योंकि आज मेरे साथ ये भी जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम दोनों एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही डेंजर प्लेस है एंड ऊपर से अजीब भी। बेसिकली आज का ब्लॉग एक हॉरर ब्लॉग होने जा रहे हैं। एंड गाइस, मैं कुछ दिन पहले व्हाट्सअप पर एक कैप्शन दिया था कि हॉरर ब्लॉग किस किस को देखना है। बहुत लोगों ने रिप्लाई किया कि हॉरर ब्लॉग देखना है, तो इसलिए हॉरर ब्लॉग शूट करने आया हूं। सो गाइस, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर हम वीडियो शूट करने वाले हैं। उसके सीढ़ी के नीचे हम लोग गाइस। एक्चुअली बहुत लोग कहते थे कि यहाँ पर 40 साल पहले एक आदमी ने सुसाइड किया था, हैंगिंग किया था। तब से लेके आज तक यहाँ पर कोई नहीं आता। एक्चुअली ये एक थिएटर है। 40 साल पहले एक थिएटर हुआ करते थे, लोग यहाँ पर आते थे, सिनेमा देखते थे और चला जाते थे। जब से सुसाइड हुआ है तब से लेके आज तक यहाँ पर कोई नहीं जाता है। आप लोग देख सकते हो, ये पूरा बिल्डिंग है, देखो कैसा बन के रह गया। एंड मैंने सोचा कि ये एक फैक्ट बन के रह गया, लोगों को पता चलना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर। इसलिए मैंने आज वीडियो शूट करने आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 40 साल पहले एक आदमी सुसाइड किया, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है, अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पूरी चीज इस वीडियो में मैं कवर करने के लिए पूरा ट्राई करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग। स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि क्या भूतचूत के बात करते हो। एक्चुअली गाइस, भूतचूत मैं भी बिलीव नहीं करता, लेकिन एक बात तो मानता हूँ, अगर आपका कोई फैन है तो हेटर्स भी जरूर होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी जरूर होगा, उसका अपोजिट जरूर होगा, तो इसलिए मैं भी यकीन करता हूँ इस चीज़ पर। अब हम लोग इधर एंटर करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या है अंदर में। कोई है? एनीबॉडी इज हियर? सच में गाइस बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अंधेरा दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो, ये शायद रील है, देखो रील से ये। ये सारी रील्स है, देखो आप देख सकते हो।
अगर यहाँ पर कोई है तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोग आपको कुछ नहीं करने आया, बल्कि हम लोग वीडियो बनाने आया हूँ कि ये एक फैक्ट बन के रह गया, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो कुछ मत करना, हम लोग चले जाएंगे, बस 10-15 मिनट बाद हम लोग चले जाएंगे। हमको एंड गाइस, अब हम ऊपर इंटर करने वाले हैं। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो, आई थिंक ये गैलरी होगा। एंड गाइस, ये रहा साथ जो कि हम फिलहाल साथ में है। सो गाइस, ये है अंदर, आप लोग देखा है शायद अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर सुसाइड हुआ है, इसलिए ये बंद है। तो मैंने सोचा कि ये लोगों तक पहुँचना चाहिए ये बात, एक्चुअली आखिर हुआ क्या है यहाँ पर, इसलिए मैंने वीडियो शूट करने आया हूँ। अंदर बहुत ही डरने के लिए बहुत ही चीज़ें, मतलब डर चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा डर लगा। सच सच बताना, हवा निकला या नहीं? हाँ, हवा निकला है भाई, ये बहुत डेंजर जगह है। यहाँ पे 24 साल पहले एक आदमी मर गया। तो बेसिकली डर लगा हमको, थोड़ा डर लगा। एंड गाइस, आप लोगों को शायद पता चल चुका है कि ये कहाँ पर है। एक्चुअली ये शपरग्राम थिएटर है। एंड गाइस, मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि ये एक अननोन फैक्ट बन के रह गया, जो कि बहुत लोग नहीं जानते आखिर एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसलिए शेयर किया, जो कि आप लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए शेयर किया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही बस। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।